कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म जेएनयू। ये अहम जानकारी आपको दे दें, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है जेएनयू का ट्रेलर। कैंपस में मार्क्सवादी विचारधारा के वर्चस्व को दर्शाता है ट्रेलर। प्रतिमा दत्ता है फिल्म की प्रोड्यूसर। आपको बता दें कि 21 जून को यानी कि कल ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। छात्र राजनीति के काले पक्ष पर खुलकर हुई फिल्म में बात, प्रतिमा दत्ता ये कहती हुई नजर आई है। फिल्म की प्रोड्यूसर है विनय शर्मा है फिल्म जेएनयू के डायरेक्टर। तो कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म जेएनयू, ये अहम जानकारी आपको दे दें। और जिस तरीके से टीजर ने धमाल मचाया था, वैसे ही इस फिल्म के ट्रेलर ने भी धमाल मचाया हुआ है। इसके डायलॉग्स काफी ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ट्रेलर देखा गया, महाकाल मूवीज प्राइवेट लिमिटेड जो प्रोडक्शन है उसके बैनर तले ये फिल्म जो है बनी है। हम सलाब रुकेंगे नहीं क्योंकि हम अब बोलेंगे। हमारा नाम कृष्णा कुमार है और हम न्यू में आपकी आंख खोलने का काम करते हैं। इस झूठ को सच की तराजू में तोलेगा कौन? हम भी अगर नहीं बोले तो साला बोलेगा कौन? जय श्री राम। ये क्लास रिजर्वेशन कोटा के स्टूडेंट्स के लिए है, जनरल कोटा इज नॉट अलाउड। ये लेफ्ट यूनिटी वालों ने पूरे के पूरे यूके कैंपस को प्रांतवाद जात पात में बांट दिया है। बड़े या स्टूडेंट्स वही करते हैं जिसमें हमारी खुशी होती है। कि गोधड़ा वाले पीएम बनने का सपना पाले बैठे हैं और हम अपने देश में ये नहीं होने देंगे। महिषासुर हमारे देवता है, देवता जिनकी उच्च जात की देवी ने धोखे से वध कर दिया है। कौन है, क्या है? हम सलाब रोकेंगे नहीं क्योंकि हम अब बोलेंगे भी और लड़ेंगे भी। और जिस दिन कैंपस के लड़कों में राष्ट्र भावना जाग गई, ये कैंपस से लाल का सफाया हो गया। एनयू देश की बात करता है जो तुम जैसे नहीं समझते। कैंपस में पुलिस अलाउड नहीं है। पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी डीन की, मतलब पाकिस्तान है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, खरोच तक आई ना पूरी सरकार हिला देंगे। जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं है तुम किसी को नहीं रोक सकते। गांधी जी बन जाए और सब कुछ सहन करते रहे। 12 घंटे का टाइम देते तुमको, इसको सस्पेंड कर दो नहीं तो साला कैंपस में आग लगा देंगे। ये भगवान राम का प्रदेश है, मानो या ना मानो। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो किसी न किसी को हथियार उठाना पड़ता है। साल मेहनत करने के बाद भी ना लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हम 3 साल में पहुँच गए। यहाँ से निकलने के बाद रास्ता सीधा संसद तक।